दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ विंटर स्पेशल मिक्स चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने छत पे और अपनी क्यारियाँ में से मैं यहाँ पुदीने के पत्ते को तोड़ रही हूँ। मैंने अपनी क्यारी में एक छोटा सा पुदीना का पेड़ पौधा लगाया था और वो पूरा फैल के इतना सारा हो गया है, तो वही मैं तोड़ रही हूँ। तो यहाँ देखिए जड़ से ही निकल गया, तो फिर मैं जड़ वाले को फेंक दूँगी और ऊपर के पत्ते को ले लेती हूँ। घर में पुदीना का पत्ता हो जाए तो मज़ा आ जाता है, जब भी मन करे फ्रेश फ्रेश पत्ते तोड़ के चटनी पीस लो। तो मैंने यहाँ पुदीना के पत्ते को तोड़ लिया हमें जितना ज़रूरत था। उसके बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से धो के और बाकी सारे मैंने जो विंटर स्पेशल चटनी बना रही हूँ मिक्स वाली, तो सब कुछ मैंने ले लिया था। यहाँ पर मैंने एक छोटा साइज का टमाटर लिया था जिसे मैंने इस तरह से दो टुकड़े में काट लिया। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली है जिसे मैंने छील लिया है। यहाँ पर मैं हरे मटर ले रही हूँ जिसे मैंने सब चीज़ को धो लिया। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च लिया है साबुत वाला, तो आप चाहो तो यहाँ पे हरा मिर्च भी रख सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से कुछ ज़्यादा ही तीखा स्पाइसी बनता है। उसके बाद मैंने यहाँ पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, यहाँ पे धनिया का पत्ता, इसे भी मैंने पत्ते को सिर्फ लिया डंठल को नहीं, यहाँ पुदीना का पत्ता, और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो सभी चीज़ को मैंने अच्छे से धो दिया था और ये सारे विंटर के स्पेशल है, सब कुछ विंटर में मिलता है, ये सब बहुत ही सस्ते दामों में। और यहाँ पे नींबू छूट गया था तो मैंने यहाँ पे नींबू लिया है, 2 टुकड़े में काट लिया है एक नींबू को। आप इसकी जगह इमली भी ले सकते हैं खट्टेपन के लिए, यामचूर पाउडर भी। उसके बाद अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम डाल देंगे मिक्सर जार में और सबको मैं पीस लेती हूँ फटाफट से। तो मैं सारे इस तरह से सारे इन्ग्रीडियंट्स को पहले डाल देती, एक ही साथ सब कुछ हमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम नींबू को, जो नींबू को काट के रखे थे उसके जूस को डाल देना है। इस तरह से नींबू को निचोड़ के हम इसके रस को डाल देंगे बीज को हटा के। तो यहाँ पे आप इमली के पल्प डाल सकते हैं या इमली को फुला के डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जो भी खट्टेपन के लिए आपको चाहिए वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए मैंने 2 बार पानी डाल दिया था, आप गलती से दोबारा ना डालें। मैं देखिए मैं दोबारा जो पानी डाल देना, इसलिए मेरा थोड़ा सा चटनी था बहुत पतला हो गया था, तो आप दोबारा ना, पहली बार मैंने जितना डाला था उतना ही डालें। अगर आपको इस तरह से पतला चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दीजिए। तो उसके बाद मैंने इन सभी को इस तरह से अच्छी तरह से पीस दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सरसों तेल डाला और हमारे यहाँ पे मिक्स विंटर स्पेशल चटनी तैयार है। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप इस चटनी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा इस विंटर में।